मुझे नहीं याद है पहली बार मैंने प्यार शब्द कब सुना था। मुझे नहीं पता था प्यार का मतलब क्या होता है जब मैंने पहली बार इसे लिखा था यार में आधा प जोड़कर। 13 साल की उम्र में मैंने जरूर लिखा था एक प्रेम पत्र एक खूबसूरत सी लड़की के लिए, पर वो देखा देखी में किया था दोस्तों के कहने पर। नहीं समझ पाया था उस वक्त प्यार कैसा होता है, प्यार में होना कैसा होता है। इसलिए मैंने शुरू किया प्यार के बारे में पढ़ना, प्यार को समझना, कविताओं के जरिए, कहानियों के जरिए, लोक कथाओं के जरिए, गानों के जरिए। मैं पूछने लगा प्यार के बारे में घर पे, दफ्तर में, दोस्तों को, राह चलते लोगों को, उन सब से जो प्यार में थे, जो प्यार को समझते थे, और उनसे भी जो प्यार से नफरत करते थे। मैं खोजने लगा प्यार का मतलब समंदर किनारे बैठे प्रेमियों के हथेलियों में, एक दूसरे से मिलने को इंतजार करते उनके होठों में, गले लगते हुए भी उनकी बीच की दूरी में, उनके अलग अलग बैठने में। इतना सब कुछ करने के बाद मुझे यकीन था अब मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ प्यार को, प्यार में होने के एहसास को। मैं हो चुका हूँ पूरी तरह से तैयार प्यार के लिए। पर मैं गलत था क्योंकि एक शाम जब मुझे सच में प्यार हुआ, मैंने जब महसूस किया प्यार में होना, प्यार करना, तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था ऐसा होता होगा प्यार, इतना हल्का, इतना जुनून भरा, इतना खूबसूरत, इतना सुकून भरा। जब मैंने यही बात फिर बतानी चाहिए घर पे, दफ्तर में, दोस्तों को, राह चलते लोगों को, उन सब से जो प्यार में थे, जो प्यार को समझते थे, और उनसे भी जो प्यार से नफरत करते थे, तो वो सब नहीं हुए तैयार कहने को इसे प्यार, मानने को इसे प्यार। देने लग गए इसको हर कोई नाम प्यार के अलावा। तब समझ आया सारी की सारी कविताएं व्यर्थ हैं, सारी कहानियां व्यर्थ हैं, प्यार को किसी और से समझना व्यर्थ है, प्यार को किसी और को समझाना व्यर्थ है। क्योंकि प्यार क्या होता है ये प्यार में पढ़कर ही आप जान पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। इसलिए मैं भी नहीं लिखूंगा प्यार के बारे में इस कविता में, नहीं करूंगा अपने प्यार का जिक्र ही इसमें, और ना ही छोड़ूंगा आपके लिए प्यार करने की कोई सीख इसमें। बस मेरे और आपके तसल्ली के लिए अंत में जोड़ देता हूं यार में आधा प प्यार। थैंक यू।